नमस्ते दोस्तों। वैसे तो मैं पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं करता, लेकिन आज का मैच ही ऐसा था। आज के मैच में बॉल ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया था जितना फार्मर्स बिल में फार्मर्स का फायदा। लेकिन कहना ही पड़ेगा, क्या मैच था ये आज। राहुल तेवतिया ने तो एकदम से मैच बदल दिया। वैसे उस ओवर में जैसे ही दो छक्के पड़ गए, मुझे पता ही चल गया था कि अब ये पड़ने वाले हैं, क्योंकि शेल्डन कॉटरेल ऐसे बॉलर है, एक बार मार पड़ती है मतलब कंटिन्यूअसली वो मार खाते रहते हैं। अब आते हैं संजू सैमसन की ओर, तो आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले साल उनका स्ट्राइक रेट जो था वो लेग ब्रेक के अगेंस्ट 100 के आसपास था, 100 से भी नीचे था, और लेग ब्रेक गूगली के अगेंस्ट 80 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन आज आप देखेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट लेग ब्रेक के अगेंस्ट 250 के पास है, और लेग ब्रेक गूगली के अगेंस्ट भी करीब करीब 200 का है। सोचिए इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट की है उन्होंने। और यही होता है, एक अच्छा बैट्समैन हमेशा अपनी गलतियों को सुधारता है और एक बेहतर बैट्समैन बन के आता है। जैसे केएल राहुल, उन्होंने अपनी कुछ गलतियों को सुधारा है और आगे आए हैं यहाँ पे। और राजस्थान रॉयल्स, क्या टीम पाई है आप लोगों ने। मतलब जोफ्रा आर्चर्स भी लास्ट में आके हर मैच में आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन टीम है ये, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इनका परफॉर्मेंस दुबई में और शेख जय स्टेडियम पर। अब देखते हैं किंग्स इलेवन पंजाब ने गलती कहाँ की। तो मुझे लगता है पहला गलती तो उनका 18th ओवर के बाद हो गया, जब मयंक अग्रवाल आउट हो गया, उसके बाद से रन रेट एकदम से कम हो गया। जहां पे स्कोर 250 के करीब जाने वाला था वो 223 पे ही अटक गया। तो वैसे ये स्कोर भी काफी बड़ा स्कोर है, ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, लेकिन वहां पे और रन्स ऐड हो सकते थे, वो पहली गलती थी इनकी। दूसरी गलती, ग्लेन मैक्सवेल का तीसरा ओवर नहीं कराना था। वहां पे आप कोई भी फास्ट बॉलर को डाल सकते थे, थोड़ा प्रेशर बन जाता वहां पे, और वहां पे विकेट लेने के चांसेस ज्यादा थे। एक और गलती, मॉर्गन अश्विन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया यहां पे। उन्होंने सिर्फ 9 बॉल बॉलिंग की है। सबके माइंड में सवाल उठ रहा है कि यॉर्कर्स कहां गए, गायब हो गए क्या यॉर्कर्स, एकदम से कहीं देखने को नहीं मिल रहे। यॉर्कर्स डालना काफी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ड्यू इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉल एकदम साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है, और उसके बाद आप यॉर्कर नहीं डाल सकते। यॉर्कर डालने के लिए आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो सकता है, वो एक हाफ वॉली हो सकता है, और हाफ वॉली को तो आप फिर कहीं भी उड़ा सकते हैं ऐसे छोटे ग्राउंड में। अब यहां से देखने लायक ये है कि राजस्थान रॉयल्स कैसा परफॉर्म करते हैं बाकी दो ग्राउंड में, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ शारजा पे खेल रहे थे, आगे देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात, किंग्स इलेवन पंजाब को यहाँ पे बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मैच था, उनके फेवर में था, बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट मिली है यहाँ पे। रवि बिश्नोई इतने पाटे पिच पे उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और जैसा कि मैंने अपने प्री मैच एनालिसिस पे भी कहा था कि रवि बिश्नोई और मुर्गन अश्विन दोनों खेलेंगे, भले ये पाटा पिच हो लेकिन दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुर्गन अश्विन का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, लास्ट ओवर में लेके आए थे उनको जब 2 रन चाहिए था, तब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आप सब भी सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, और मैं भी अपने कल के प्री मैच एनालिसिस के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, अब तो पोस्ट मैच भी डाल दिया, क्या वेट कर रहे हो, कर दो।